आई नो बहुत सारे लोग इस वीडियो को नहीं देखने वाले पूरा, लेकिन एटलीस्ट ये देख के जाओ कि एड ऑन काम कैसे करता है। तो जैसा कि सबको पता है, आस्क मुजैंग का एक एपिसोड अपलोड हुआ था माइनक्राफ्ट के चैनल पे, एंड उन्होंने बताया कि वो फायरफ्लाइज को कैंसिल कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई मीन रीजन लॉजिकल है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे कैंसिल तो नहीं करना चाहिए था। पहले दिखाते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। तो या इसी के लिए मैंने एक रिसोर्स पैक बनाया, एंड या ये एक रिसोर्स पैक है तो आप सर्वर्स पे भी यूज कर सकते हो इसे। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेंगी, उससे आप फायरफ्लाइज का कलर चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट पे ही रखूंगा। तो हम लोग एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, और बस दिखाने के लिए मैं इसे क्रिएटिव रखूंगा, और ऑलवेज डे और वेदर साइकिल बंद कर देता हूँ। मॉब स्पॉनिंग भी मैं बंद ही कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये जो है ये एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल इफेक्ट है, इसका मतलब है ये एक एंटिटी नहीं है। इससे आपके वर्ल्ड में ज्यादा लैग भी नहीं होगा, तो अगर कोई लो एंड फोन में भी खेल रहा है तो उसको भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना गंदा स्पॉन क्यों मिला है मुझे? ओ वहाँ पे पेरेजर टावर भी है, उसको छोड़ते हैं। हम एक अच्छे खासे मेडो में हैं अभी, इस भयम को मेडो ही कहते हैं ना। तो यार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अभी बस हमको एक आर्मर स्टैंड चाहिए इसके लिए। मिडनाइट कर देते हैं, अब थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा आई गेस। तो इसके लिए बस आपको एक आर्मर स्टैंड चाहिए, उसको किसी भी पोजीशन में रख सकते हो। पोजीशन से मेरा मतलब किसी भी डायरेक्शन में फेस करके रख सकते हो, और फिर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है अनटिल ये वाली पोजीशन नहीं आ जाती। और जब ये वाली पोजीशन आएगी तो आप देख ही सकते हो पार्टिकल स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, एंड ये सर्वर्स में भी काम करता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको अपने बिल्ड में एम्बियंस वगैरह लानी है तो इससे आप लेके आ सकते हो। तो कुछ इस तरह से काम करता है। और हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि सरफेस पे आर्मर स्टैंड रहे, तो इसका इलाज तो यही है, बस ये करो और पता भी नहीं चलेगा। मैं इसमें इनविजिबल करने का फंक्शन डाल सकता था, लेकिन फिर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड कभी कभी तो काम भी नहीं करता। और मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेबल रहे, तो इसलिए मैंने इसे इसी तरह का बना रखा है। तो इस तरह से आप कई सारे आर्मर स्टैंड बना सकते हो आई गेस, और फिर उसको आप लोग अंडरग्राउंड ही कर देना, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। पर ज्यादा आर्मर स्टैंड मत ही रखना, क्योंकि उससे भी लैग होता है। तो इस तरह से आपको फायरफ्लाइज देखने को मिल जाएंगे अपने गेम में, एंड अगर कोई और इसे देखना चाहता है तो वो भी अपना रिसोर्स पैक लगा सकता है। एंड आई मीन ये काफी अच्छा लगता है रात को देखने में, एंड आई होप आपको ये एड ऑन भी पसंद आएगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कई और लोग भी होंगे जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा फायरफ्लाइज एड नहीं हुई, इसलिए रिसोर्स पैक उनके लिए है। एंड एज ऑलवेज डाउनलोड लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, इस बार मैंने डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे रखी है, तो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड यार थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही था, मैं आप सभी से मिलता हूँ एक अगली नई वीडियो में।